में बहुत सारे देशों में वेंटिलेटर बेचे भी नहीं कोई जानता है। हमने बहुत सारी देशों को दवाइयां फ्री में मुहैया करवाई, बेची भी तो, फर्स्ट फेज में फेजेस भी तो हैं, तो फर्स्ट फेज में हमने दिया फ्री, ठीक है। आपकी आबादी कितनी है तो 40 करोड़, कितनी आबादी है 20 करोड़, ठीक है, 15 लाख फ्री, बात का ये प्राइस, ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि हम ऊपर से पढ़ते हैं, जिसने कहा उसी पर बात मार दी। तो कोरोना डिस्टर्ब्ड योर जॉब्स, इट इज राइट, बट इट ऑल्सो क्रिएट जॉब्स। तो एआई टूल जहां पर आपके बहुत सारे रेगुलर जॉब को खराब करेगा, उसी तरीके से नए जॉब्स क्रिएट भी करेगा। आपको बस इस बीच में, खराब और छूटने के बीच में, अपने आप को बस अपडेट कर लेना है, वैसे ही जैसे अभी जो कपड़े पहन के हम रेगुलर आ रहे हैं। मेरा भी ड्रेस है एज ए टीचर, आपका भी ड्रेस है एज ए स्टूडेंट, आई एम राइट और रॉन्ग। लेकिन किसी पार्टी में जाएंगे तो क्या आप इस कपड़े में जाएंगे और हम इस कपड़े में जाएंगे, तो आप वहां अपडेट हो रहे हैं कि नहीं, उस अपडेशन में कितना टाइम लगा भाई साहब। तो अगर आप ऑलरेडी अवेयर हैं एप्लीकेशन से, जॉब से, तो आपको अपडेट होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपने इसको पहले ही बोझ मान लिया कि अब होंगे कैसे, तब तो दिक्कत है। तो कोई भी बीमारी या महामारी जब ज्वालामुखी फटता है तो निश्चित रूप से मौतें होती हैं, लेकिन यह भी बात सही है कि उसी के बाद से बहुत सारा सोना और हीरा भी निकलता है, बहुत सारा मैग्नीशियम, बहुत सारा जस्ता, बहुत सारी टिन निकलती है, और ज्वालामुखी के लावा के पिघलने के बाद जो राख निकलती है वह बहुत ज़्यादा यूज की जाती है ऑर्गेनिक मटेरियल्स में। तुमको कहाँ बैठा दें हम, क्या कुछ पूछना है उस लायक तो नहीं। बात समझ में आ रही है? तो डरने से काम नहीं होगा, अपडेट से होगा। सो कोई भी जॉब, कोई भी क्या बोलते हैं उसको, खोज को क्या बोलते, डिस्कवरी पुराने पैटर्न को ब्लॉक करती है तो नए पैटर्न या नए ऑप्शंस खोलती भी है। इस दोनों के बीच में अगर आपने अपने आप को अपडेट किया, अपने अगर आपने अपने आप को एजुकेट किया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर इससे पहले आप बोलते थे कि 16 नए AI टूल आ गए हैं, तो 16 आ गए तो 600 भी आएंगे, क्योंकि अब तो इनकी बाढ़ आने वाली है, अब इनकी बाढ़ आने वाली है। पहले नोकिया क्या 3611 कौन सा नंबर था जो 3510, उसके जब तक 3510 था तब तक तो उसी के मॉडल के मोबाइल आते थे, लेकिन जैसे ही पहला स्मार्ट डिवाइस